गौतम जी से विनती है, कृपया अंग वस्त्र द्वारा श्री विनोद कुमार आपने देख लिया होगा कि हमारे यहाँ सबसे दिल्ली की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी होती है, तो ये उसका ब्लॉग रहने वाला है। बाकी दिखाएंगे सब कुछ, आरती वगैरह एक टाइम पर, यहाँ पर ये मान लो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खाना चलता है यहाँ पे और भंडारा। और यहाँ एक पंगत कई बार मतलब ऐसा हो जाता है कि एक पंगत की जगह मतलब एक पंगत में ही 1000+ लोग होते हैं। तो चारे जी द्वारा कराई जाती थी और ये हो रही है करीब करीब 2000 से, 2000 नहीं 19 कुछ से हो रही है, लास्ट 25 साल से ही हो रही है जो हमारे ये गणेश चतुर्थी होती है, हमारे 25 साल पहले से हो रही है यहाँ पर। और पहले दूसरे पार्क में करी जाती थी, अब दूसरे पार्क में करी जाती है। और इस पार्क का नाम भी अब गणेश महोत्सव पार्क रख दिया गया है। तो दिखाते हैं पूरा, आरती में भी बहुत आनंद आता है और बाकी लोकेशन आपको डाल दूँगा, तो बने रहिए, दिखाते हैं। तो गाइस ये है पूरा पंडाल, ये यहाँ से मतलब बहुत दूर तक है पूरा, और यहाँ पे खाना बनता है और यहाँ पर चप्पल स्टैंड है, मतलब यहाँ पे चप्पल वगैरह रखी जाती है पूरा। मतलब हर बार ये ना बहुत, आज है 5 तारीख, कल आएगी मूर्ति शाम को, तो कल दिखाएंगे। अभी तो ये पता भी नहीं चल रहा होगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। पूरे यहाँ पर ये खाना बनता है, कम से कम भी 1000+ लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया 1000+ लोग खाना खाते हैं यहाँ पर। ये हमारे आचार्य जी जिनके द्वारा ये कई सालों से कराया जा रहा है, और ये इनके सुपुत्र भुवन शंकर शर्मा जो कि अब ये कार्य संभाल रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्य जी की पिछले 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। हर बार मतलब ये थोड़ा थोड़ा पीछे लेकर जाते रहते हैं, मतलब बड़ा करते रहते हैं, पीछे नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए, आगे ही बढ़ता है ये। तो इस बार भी थोड़ा और बढ़ाया गया है। आज आ जाए 6 सितंबर और हमारे गणेश जी पधार रहे हैं आज पंडाल में। अभी टाइम हो रहा है 8:15 करीब हो रहे हैं और पूरी तरीके से अभी तैयारी तो हुई नहीं है गणेश पंडाल की, मतलब होने वाली है ऑलमोस्ट, बट आज गणेश जी पधार जाएंगे तो दिखाते हैं। अभी भाई पहुंच चुके हैं पंडाल में, अब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं सारे भाई, फिर यहाँ से जाएंगे। टाइम तो इस बार ज़्यादा ही लग रहा है बहुत, तो दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं सारे बंदे, अब निकलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं अभी गणेश जी का मुंह रखा जाएगा मेरा फिर वाला ब्लॉगर। और ये रहे अपने आचार्य जी का सुपुत्र भुवन शंकर शर्मा जी, तो इनके द्वारा ये कराया जाता है जो मैंने आपको बताया था। ये पर श्री श्वेत वराहकल्पे प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे आर्यावर्तके लक्ष्मीबाई नगरे दिल्ली नगरे इंद्रप्रस्थ नगरे लक्ष्मीबाई नगर ग्रामे बौद्धवतारे नाम संपत्सरे श्री सूर्य दक्षिणाय वर्षा ऋतो महामंगल्य तस्य मसोतम शुभ भाद्रपद्र मासे शुक्ल पक्षे तृतीयं तिथौ है ले लिया है और आज के बाद दिहाड़ी मारनी शुरू है, ठीक है। कितने की दिहाड़ी देखेंगे, अभी यहाँ पे मोटा पैसा लगा दिया, ठीक है देख लो। अभी पंचर भी तो हो गया, थोड़ा पंचर हो गया, वो एरोप्लेन वाले हेलीकॉप्टर वाले टायर लगवा रखे हमने, स्टेपनी चेंज हो रही है, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है दिखाओ। ये ड्राइवर सर इन्होंने सिखा दिया है, इन्होंने कर दिया ट्रेनिंग, लाइसेंस बन गया हैवी वाला। कह रहा मैं 4 गियर है, पहला यूं लगेगा, दूसरा यूं लगेगा, तीसरा चौथा, और रिवर्स करना है तो पल्ली साइड जाओ, रिवर्स हो जाएगा। और
क्लच दबाओ और एकदम छोड़ के रेस दे दो, आज का टायर उठ जाएगा। ठीक है, टोचन मारने भी सिखा दिए, एक बार टोचन भी सिखा दिया। और कुछ कॉन्टैक्ट आगे मेरे को कॉन्टैक्ट करना तुम, कोई भी दिहाड़ी ट्रैक्टर की जरूरत हो खेत जुतवाने के लिए, बंदा बंदे ऊपर भी चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना गाइस। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये रहा अपना पंडाल, कल से आना पंडाल में पूरा, जब गणेश जी का गणेश मेरे को दिखा, गणेश जी प्रस्थान कर देंगे जब दिखाएंगे। ठीक है, टेंट भी रख रखा हमने, टोचन किंग पिलंजी गांव पास का मैटर है ये तो। ठीक है, बाकी ये वो बंदा है, इसको लद्दाख लेके जाएंगे इसी पे, बाइक का फोन लगा तो बाइक हाँ इनको ये टॉर्चर करते हैं, ये टॉर्चर किंग है। ठीक है, बाकी अगर फोन ना लगे तो भाई को कॉन्टैक्ट कर ले, और ये हेल्पर है मेरा, किसी बस वाले को भी हेल्पर चाहिए तो बता दे, अपना बंदा है। ठीक है, बाकी लद्दाख जाने का प्लान है, इसमें भी वो करवाएंगे, सनरूफ लगवाएंगे इसमें, और सामने सिद्धू मूसे वाले की फोटो, नहीं नहीं सिद्धू मूसे वाले की नहीं, कालका भाई की फोटो। और बाकी अब दिखाते हैं अभी लगने वाला टायर तो बन रही है। तो गाइस पहुंचते बच गए हैं बाहर, कुल्फी इंजॉय हो रही है, भूख लग रही है बहुत तगड़ी, तीन टायर पंचर निकले हैं, अब निकल रहे हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे अब मैट बिछने रह चुके हैं, ये पूरा यहाँ पे वीआईपी का है, और यहीं पे आरती होती है, और यहाँ पे फैमिली होती है, बीच में रास्ता होता है, और बाकी आगे जो नॉर्मल पब्लिक है वो होती है। आ चुके हैं ऑलमोस्ट गणेश जी, तो अभी पूरी जब पूरी तैयारी हो जाएगी ना, यहाँ पे मूर्ति आएगी पूरी, जब तैयारी हो जाएगी जब दिखाएंगे आपको। तो भाई से आखिरी पड़ाव पार करना रह गया बस, फिर ये अपना कुछ लुक है, और जा रहे हैं पंडाल में, आरती शुरू हो गई है, थोड़ा लेट हो गए हैं। Thank you.
पंगत को खाना खिला के हम 12:30 बजे तक फ्री हुए थे, तो इस वजह से लेट हो गया, अभी खाना खाया था, अब जाने अपने घर पहुँच चुके हैं। तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी।